तो कैसे हो यार सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होगे और जो भी कर रहे होगे बढ़िया से कर रहे होगे। ठीक है, तो यार आज आ चुके हैं हम लोग नई एक अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ में, जो कि है एक डिवाइस की जो कि 20K में सबसे बेस्ट होने वाला है। इससे पहले पोको X2 बेस्ट होता था जो कि रीब्रांडेड था, बट कोई बात नहीं, अच्छा फ़ोन था। हीटिंग की इशू थी और कुछ मेजर इशू थे, तो कंपनी में उस पर कुछ काम किया कंपनी ने, सॉरी। तो उसके बाद उन लोगों ने लाया एक नया अपना सक्सेसर जो कि होने वाला है आपका पोको X3। ठीक है, ये टॉप वेरिएंट में है। अभी सेल आई थी 5 को, तो उसी पे क्रैक किया था। बस एक ही मिनट के लिए सेल थी, बहुत जल्दी टॉप वेरिएंट गायब हुआ था। और बाकी सब वेरिएंट थे कुछ देर के लिए, अगर आप लोग सेल चेकआउट किए होगे तो देख लिए होगे, बट ये जो था वेरिएंट बहुत जल्दी गया था। तो यार इस चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इस जो डिवाइस को है। मैं कल मेरे को मिल गया था और मैं इसको कल से थोड़ा मैंने यूज़ किया है यार। अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे मेरे ख्याल से सारी चीज़ें बतानी चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले खोल के चेक किया फिर आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका सबसे ऊपर मिलता है आपको, तो इसमें आपको मिल जाएगा एक TPU केस और कुछ पेपर वर्क, तो बढ़िया क्वालिटी का है। ठीक है, कोई इसका वो नहीं है और कुछ नहीं है इसमें। आपका पेपर वर्क है और एक सिम ट्रे इजेक्टर टूल है। और इसके बाद आ जाता है ये हम लोगों का डिवाइस, इसको भी रख देते हैं साइड में, अंदर की चीज़ें देख लेते हैं। ये आपका अडाप्टर है MI का। ठीक है, कहने को तो पोको MI से हट गया है लेकिन अभी भी वही है। और ये आपका टाइप सी केबल है, USB 2 Type-C, और बॉक्स में कुछ नहीं है। तो यार आ जाते हैं हम अपने डिवाइस पे। शेडो ग्रे कलर, ठीक है, 8128 जो इसका वेरिएंट है वो। और फ़ोन बूट कर लेते हैं, तो हो रहा है यार फ़ोन बूट। तब तक यार इसके लुक्स की बात कर लेते हैं, तो लुक्स बैक से देख लीजिए। यहाँ पे बड़ा सा पोको की ब्रांडिंग दी हुई है, 4 कैमरा का सेटअप है और फ्रंट में एक दिख रहा होगा अगर आपको ये कैमरा, तो वो है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट में है, 64 मेगापिक्सल बैक है। और इसके बाकी के सेंसर्स और एक ये फ्लैश लाइट जो कि पूरा 5 कैमरा सेटअप का मज़ा दे रहा है। तो यार आपका हो गया फ़ोन बूटअप। और इसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 732G, और इसमें जो आपका डिस्प्ले है वो 120Hz का रिफ्रेश रेट है और 244Hz का सैम्पलिंग रेट है, टच सैम्पलिंग रेट है। तो यार इसकी और बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो इसमें ये जो यहाँ पोको लिखा हुआ है, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि अगर मैं इसको ऐसे करूँगा, आपको पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं, तो इस पर जब लाइट पड़ती है तो ये अलग शाइन मारता है, तो वो थोड़ा अच्छा है। और इसका जो बैक है, तो X2 में था जो पोको X2 में, उसमें ग्लास बैक था, बट इसमें क्या है कि आपको प्लास्टिक का बैक दे रखा है। और ये जो चीज़ है पीछे, अगर आपको दिख रही हो, वैसे उम्मीद तो नहीं है, थोड़ी दबती है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। और आपका ये जो ये है फ्रेम है, देख रहे हो आप, ये एल्युमिनियम फ्रेम दिया हुआ है। इधर पे आपका यहाँ पे है सिम ट्रे जो कि है हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब एक आपका मेमोरी कार्ड लगेगा, एक सिम कार्ड लगेगा। ऊपर में इस डिवाइस में क्या कहते हैं आपको मिलता है स्टीरियो स्पीकर, तो एक स्पीकर आपका यहाँ पे है और एक स्पीकर आपका इधर पे है। तो यार नीचे की तरफ की बात कर लेते हैं, तो इसमें दिया हुआ आपका स्पीकर ग्रिल, एक माइक है, USB Type-C की चार्जिंग पोर्ट है और एक 3.5mm जैक है जो कि फ़ोन में धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। इसमें ऊपर आपका मिल जाता है स्टीरियो स्पीकर का सेकेंड स्पीकर, जो कि यार स्पीकर की मैं इसकी बात बताऊंगा आपको, एक दूसरा नॉइस कैंसिलेशन माइक और एक आपका IR ब्लास्टर जो कि सभी MI के फ़ोन्स में होता है। ठीक है, तो इसके जो मैं बैक कैमरा की बात करूँ, तो इस पर एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है, दूसरा आपको 13 मेगापिक्सल का मिलेगा और बाकी डेप्थ सेंसर और माइक्रो लेंस 2-2 मेगापिक्सल के, तो कोई वो नहीं है। फ्रंट में आपका 20 मेगापिक्सल का है और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, एक आपको इसका फ्रंट कैमरा दिखाते हैं जो इसका एकदम डॉट टाइप का है, ये देखिए
अगर ना दिख रहा हो तो एक मिनट मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ब्राइटनेस की इसकी जो है डिस्प्ले की वो 450 नीट्स की है। इसका जो डिस्प्ले है आपको इजीली विजिबल होगा, धूप में भी और बाहर आप जाओगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बात कर लेते हैं कि हमने जो फ़ोन चलाया तो उस पर हमको परफॉर्मेंस कैसा मिला। स्पीकर की बात करते हैं सबसे पहले, जो कि मैं आपको बताता हूँ। स्पीकर मेरे ख्याल से इसमें जहाँ तक मेरे को लगता है काफ़ी बड़ा स्पीकर इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। तो जब आप इस फ़ोन पे कुछ प्ले करते हो तो आपका बैक पैनल पूरा वाइब्रेट देता है। साउंड क्वालिटी अच्छा मिलता है, बट मेरे को लगता है ये चीज़ सही नहीं है कि उतना देर तक आप यूज़ करें और वाइब्रेट करेगा, तो वो चीज़ थोड़ी हमको अच्छी नहीं लगी। बट स्पीकर का साउंड बढ़िया है और इस फ़ोन में लगी हुई है 6000 mAh की बड़ी बैटरी, जो कि पावर्ड होती है 33 W की फास्ट चार्जिंग से। इसको मैंने चार्ज किया, मुझे 1 घंटा 30 मिनट के लमसम लगा और ये फ़ोन फुल चार्ज हो गया था। और काफ़ी जो उसका बैटरी परफॉर्मेंस है अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि जब मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ तो फ़ोन थोड़ा हीट ले रहा है और जो चार्जर है वो भी थोड़ा हीट लग रहा है। तो मेरे ख्याल से वो सही हो जाना चाहिए, बाकी तो आगे पोको ही जाने। तो बैटरी बैकअप इसका एकदम मौसम है। मैंने इस पर पबजी भी खेला, बैन है, बट मैंने KR वर्जन खेला है तो उसमें भी कोई मेरे को दिक्कत देखने को नहीं मिली है, बढ़िया मैंने खेला। और अगर आपको गेम प्ले देखना है मेरा तो फेसबुक गेमिंग पे हम लोग लाइव आते हैं, पबजी मान पेज का नाम है, मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप सीधे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो इस फ़ोन पे का गेम प्ले कैसा है। तो यार इसके जो वेरिएंट आते हैं कुछ, उनकी प्राइसिंग मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो 664 है वो आपको 17,000 के अप्रॉक्स पड़ता है फ्लिपकार्ट पे से, और इसका जो 6128 आता है वो पड़ता है आपको 18,500 का, और जो ये वेरिएंट है टॉप वेरिएंट आपका 8128 वो पड़ता है आपको 20,000 का। तो यार इसकी जो कुछ कैमरा के वो हैं सैम्पल हैं, बैक के और फ्रंट के, तो मैं आपको इसमें एक छोटी सी वीडियो भी शूट करके दूंगा और इसकी कुछ मैं कैमरा की फ़ोटो सैंपल भी दूंगा, मैक्रो के भी दूंगा, डेप्थ भी दूंगा और नॉर्मल कैमरे से 64 MP से सब दूंगा। वीडियो के लास्ट में उसको चेकआउट करिएगा। और ये जो फ़ोन है ये आता है इनबिल्ट MIUI 12 पे, जो कि अच्छी बात है, लेटेस्ट है। और इससे पहले जो MIUI 12 का सबसे पहला अपडेट आया था तो वो आया था आपका POCO X2 पे। इससे पहले मैं POCO X2 यूज़ करता था, अभी मैंने ये लिया है। तो फ़ोन काफ़ी हैवी है लेकिन बट ठीक है, अच्छा है। बस यही थी इसकी कुछ मेजर स्पेसिफिकेशंस, और आपके लिए परफॉर्मेंस का मैं इसका टेस्ट दे दूंगा अलग से। अगर आपको देखना है परफॉर्मेंस की वीडियो इसकी तो मुझे नीचे कमेंट करो, अगर मैं कमेंट देखूंगा तो इसके लिए मैं आपका इस पर पबजी रिव्यू अलग से ला दूंगा। मैं स्ट्रीम पर खेलता हूँ, स्ट्रीम चेक कर लेना, लेकिन आप कहोगे तो मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, इसका रिफ्रेश रेट आपको दिखा दूँगा। रिफ्रेश रेट एकदम है, अगर आप देख लो तो बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत स्मूथ चलता है। ये कैमरा सैंपल है POCO X3 के बैक कैमरा का, और ये अभी वीडियो सेटिंग्स जो लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं 1080 pixels और 60 FPS पे। और मैं नॉर्मली आया था, मैंने कहा अगर कैमरा सैंपल देना है तो बाहर रोड पे ही आ जाता हूँ मैं तो। और ये जो माइक की रिकॉर्डिंग हो रही है ये हो रही है नॉर्मल जो इनबिल्ट माइक है फ़ोन का उससे। और मेरे ख्याल से यार जहाँ तक मुझे अभी फ्रेम में दिख रहा है वीडियो काफ़ी स्टेबलाइज्ड है, तो यार ये आप बताओ कि स्टेबलाइज्ड मिल रही है कि नहीं। और अभी आपको देते हैं फ्रंट कैमरे का सैंपल, वो यहाँ नहीं देंगे, वो देंगे हम आपको
हमारे भैया की शॉप है चाय वाली, वहीं हम लोग जा रहे थे तो वहीं पे देते हैं फ्रंट कैमरे का सैंपल। यार ये जो वीडियो अभी फिलहाल में रिकॉर्ड हो रही है, ये हो रही है आपके पोको X3 के फ्रंट कैमरा से, जो कि है 1080 पिक्सल और 30 फ्रेम रेट्स पे। तो यार हम लोग आ चुके हैं जहाँ हमने बोला था अपनी भाई की दुकान है जो निर्भर चाय वाला, तो फ्रंट कैमरे का शूट यही है। और होप करते हैं गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को जो कि है एस्ट्रा गेमिंग वाइटी, और जल्द ही इसका जो नाम है वो मैं चेंज करने वाला हूँ। तो यार सपोर्ट दिखाओ भाई के चैनल को, और भाई अगर यहाँ नहीं आए हो तो ज़िंदगी बेकार है तुम्हारी। तो यार आओ चाय ट्राई करो और बताओ कैसी है, हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।